Welcome to our YouTube channel Om Labs. So friends, today in this video we will determine the modulus of rigidity of a given material rod by using the Barton's horizontal type apparatus. तो आइए हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन जो है मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है. तो हमारा जो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है बार्टन्स हॉरिजॉन्टल टाइप अपरेटस. उसके साथ हमें एक हाफ मीटर स्केल की रिक्वायरमेंट है और हमें साथ में चाहिए 500 ग्राम्स के जो वेट हैं, स्लॉटेड वेट्स हैं वो चाहिए. हमें यहाँ पर एक स्क्रू गॉज की रिक्वायरमेंट है, वर्नियर कैलिपर की रिक्वायरमेंट, और हम यहाँ पर आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. इस मैनुअल के अंदर आपको कंप्लीट वर्किंग और प्रोसीजर अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो मिल जाएगा ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को ईजिली कर सकें. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है. ईटा इज इक्वल टू 360 ng r L2 - L1 ओवर पाई स्क्वेयर r द रेस टू पावर 4 θ1 - θ2. तो हमें इन पैरामीटर्स को जो फाइंड आउट करना है ताकि हम ईटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकें. तो आइए देखते हैं इस बार्टन अपरेटस के अंदर हमारे पास ये जो बार्टन अपरेटस है वो किस तरह से बनाया गया है. यहाँ पर वो रॉड है जिसका हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो फाइंड आउट करना है. हमने इस रॉड को 2 fixed end के साथ इन स्क्रूज की हेल्प से हमने इसे बिल्कुल फिक्स कर दिया है. साथ ही में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 pointer हैं और इन पॉइंटर्स के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 circular scales हैं, S1 और S2, और इन दोनों स्केल्स के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 pointer गिवन है. ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इस अपरेटस के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पुली है और इस पुली के अराउंड आप देख सकते हैं एक रोप जो है वो अराउंड इसके पुली के जो है वो दी गई है. इस रोप के साथ जो है हम ये जो स्लॉटेड वेट्स हैं ये 1 by 1 हैंग करेंगे और अपना जो वेट है इन जो 500 ग्राम के जो वेट हैं वो 1 by 1 इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले हमें ये देखना है S1 स्केल और S2 के स्केल के साथ जो ये पॉइंटर्स गिवन है इनको हमने 0 पे सेट करना है दोनों पॉइंटर्स को. इस रोप के अंदर आप देख सकते हैं इस रोप के अंदर हमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 500 ग्राम का ये जो हैंगर अलोंग विद ये जो हैंगर है इसका जो वेट है वो है 500 ग्राम. तो इस 500 ग्राम को ऐड करने के बाद हमने अपनी जो है यहाँ पर S1 स्केल S1 का स्केल का जो पॉइंटर है वो कहाँ लाए किया है. सेकंड इस S2 स्केल का जो पॉइंटर है सेकंड टाइम में जो S2 का स्केल है वो कहाँ लाए किया है. हमने इस रीडिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहाँ ये जो हमारे टेबल फॉर एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंटर है यहाँ पर हमने जितना वेट ऐड किया है हैंगर में मीन्स हम अगर हमने 500 ग्राम ऐड किया तो मुझे यहाँ 500 नोट करना है. रीडिंग ऑफ पॉइंटर वाइल इंक्रीजिंग लोड तो सबसे पहले 500 ग्राम के लिए जो मेरा S1 स्केल है वो किस पॉइंटर पर आया वो हमें इस यहाँ इस ऑब्जर्वेशन में मैंशन करना है. और सेकेंड जो S2 स्केल है सेकेंड पॉइंटर है उसका पॉइंटर वो कहाँ लाई कर रहा है 500 ग्राम के लिए हमें S2 स्केल के लिए यहाँ पर वो नोट करना है. जैसे कि मेरा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं S1 के लिए जो स्केल का जो है मेरा पॉइंटर है वो आ रहा है 3 degrees. यहाँ पर हम इसको डिग्रीज में नोट करेंगे. आप देख सकते हैं हमारा ये जो 0 के बाद जो मेरे पास जो ये S1 स्केल का जो पॉइंटर है वो 3 पे आ रहा है और जो S2 का स्केल है वो 1 पर आ रहा है. तो हमें मेरे को सिमिलरली ये जो हमारे 2 ऑब्जर्वेशन टेबल हैं S1 और S2 के लिए जो है 1 by 1 हमारा पॉइंटर कहाँ लाई कर रहा है हमें वो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर वो इन ऑब्जर्वेशन में नोट करना है. ये तो हो गया मैंने अभी डाला था 500 ग्राम. तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 more 500 ग्राम वेट.
तो अब हम देखेंगे कि हमारा S1 स्केल और S2 स्केल जो है वो उसकी वो जो पॉइंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो S1 स्केल है, यहाँ पर जो S1 स्केल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑन 6, एंड जो सेकेंड है हमारा जो है S2 स्केल जो है उसका जो पॉइंटर है वो 4 पे लाई कर रहा है। इसी तरह से हमें एक एक वेट जो है, हमें 500 ग्राम का जो वेट है हमें उसे हैंगर में ऐड करते जाना है, और हमें जो है अपनी जो है जो पॉइंटर है नेक्स्ट हमें वो नोट करना है कि हमारे ऐसे ही जो पॉइंटर है फॉर 500 ग्राम, देन फॉर 1000 ग्राम, देन फॉर 1500, फॉर 2000 एंड फॉर 2500 ग्राम्स के लिए हमें देखना है कि हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है। और इसी तरह से हमें 1 by 1 ऑब्जर्वेशन जो हमारा है एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए, जो हमारा यहाँ पर जो है हमें रीडिंग्स पॉइंटर की जो रीडिंग्स है वो 1 by 1 यहाँ पर नोट करनी है। ये तो हो गया रीडिंग ऑफ पॉइंटर वाइल इंक्रीजिंग द लोड, ठीक है। S1 कहाँ था, S2 जो पॉइंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है वो हमने इन दोनों टेबल्स पे कर लिया, नोट कर लिया। उसके बाद हमें इसी तरह से हमने 2500 ग्राम तक जो वेट है वो इंक्रीज करने हैं। इसके साथ ही हमें 1 by 1 करके हमें अनलोडिंग भी करनी है, और हमें तब देखना है कि हमारे जो पॉइंटर्स हैं, जो हमारे जो पॉइंटर्स होंगे वो वापस अपनी जगह पर आने शुरू हो जाएंगे, और हमें इन्हीं स्केल S1 स्केल की और S2 की स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो 1 by 1 यहाँ नोट करनी है, रीडिंग ऑफ पॉइंटर व्हाइल डिक्रीजिंग लोड, राइट। उसके बाद हमें वो सारी रीडिंग्स यहाँ नोट करके हमने यहाँ पर उन रीडिंग्स का जो है वो मीन ले लेना है, और उसके बाद जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा हमारे पास वो θ1, जितनी हम रीडिंग्स यहाँ पर नोट करेंगे उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करके हमारे पास θ1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से इस ऑब्जर्वेशन टेबल में सेकेंड पॉइंटर के लिए वाइल इंक्रीजिंग लोड, वाइल डिक्रीजिंग लोड, उसके बाद हमें उन्हीं रीडिंग्स का जो मीन लेकर हमारे पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो θ2 आ जाएगा। उसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना है फॉर फॉर्मूला टू फाइंड आउट ईटा, हमें रिक्वायर है θ1 - θ2। तो यहाँ पर हम θ1 जो दूसरे टेबल से ऑब्जर्व जो हमने किया है वो, और θ2 हमारा इस ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमारे पास θ2 आएगा उससे हमने ये जो डिफरेंस है θ1 और θ2 का वो कैलकुलेट करके हमें इस फॉर्मूला में ऐड करना है, राइट। और हमारे पास ये जो सारी टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारा जो ईच स्लॉटेड वेट था M के लिए, जो हमारा ईच स्लॉटेड वेट है उसका वेट है 500 ग्राम, तो यहाँ पर जो हमारे इस फॉर्मूला में 500 ग्राम है वो M की वैल्यू रहेगी, कैपिटल M की, ठीक है। उसके बाद जो हम, क्योंकि हम ये ग्राम्स में ले रहे हैं, CGS यूनिट्स में ले रहे हैं, तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वैसे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है वो कर रहे हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उसके बाद ये जो रेडियस ऑफ पुली है हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक जो रोप है, इस या कोई आप एक दूसरी रोप भी ले सकते हैं, आपको इस पुली के अराउंड जो है कंप्लीट इसका जो एक सर्कमफ्रेंस है वो विद द हेल्प ऑफ रोप जो है वो नोट डाउन करना है। सपोज मेरी जो सर्कमफ्रेंस है इस पुली का वो इस लेंथ का है, राइट। इस लेंथ को हमने मीटर स्केल से मेजर करना है, और हमें जो है इसका जो डायमीटर का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का वो होता है 2πr, ठीक है। उसकी हेल्प से हमें जो है हम यहाँ पर इस पुली का जो डायमीटर है, या आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली रेडियस जो रिक्वायर है, या डायमीटर या रेडियस, आप दोनों इस फॉर्मूला के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास जो उसका जितना भी हमारे पास उस रोप का जो लेंथ आया है उसकी हेल्प से हम डी एज वेल एज जो है वो आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूला में यहाँ पर आर राइट किया है, तो हमें यहाँ पर डायमीटर निकालने के बाद इस पुली का हम उसे रेडियस में कन्वर्ट करके उसका जो है वो उसकी वैल्यू जो है हम फॉर्मूला में यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक और एलिमेंट है वो है, एक तो है L2 - L1। तो अब L2 - L1 वो है, वो क्या है L2 - L1 क्या है। सबसे पहले आप इस रॉड के फिक्स्ड एंड को जो आपने लेंथ मेजर करनी है वो फर्स्ट 1 स्केल से करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। उसके बाद फिक्स्ड एंड से आपको
जो S2 स्केल है उसकी जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को मेजर करने के बाद आपको L2 माइनस L1 फाइंड आउट करना है, जिसकी हेल्प से आप इन दोनों स्केल्स का जो बीच का डिस्टेंस है आप वो मेजर कर सकते हैं। वही हमें जो है फॉर्मूला के अंदर रिक्वायर है। उसके बाद हमारी जो स्मॉल r गिवन है फॉर्मूला के अंदर, हमें उसे कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके लिए वो है स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस गिवन मटेरियल रॉड। उसे हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है, स्क्रू गॉज की हेल्प से हमें तीन अलग अलग जगह से हमें जो है इसका जो है रॉड का डायमीटर स्क्रू गॉज की हेल्प से हमें निकालना है। किसी भी रॉड का स्क्रू गॉज की हेल्प से रेडियस या डायमीटर फाइंड आउट करने की जो हमारी वीडियो है वो हमारे ओम लैब्स चैनल पे अपलोड है। वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी रॉड का स्क्रू गॉज की हेल्प से जो है उसका रेडियस या डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो जितने भी पैरामीटर्स रिक्वायर थे वो मैंने आपको समझा दिया है कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू गिवन है, g यहाँ गिवन है, r की जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ द पुली है, उसे कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद l2 माइनस l1 जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू प्लस यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉल r की जो वैल्यू है वो है रेडियस ऑफ द गिवन मटेरियल रॉड। इसकी हेल्प से आप जो है किसी भी गिवन मटेरियल का या किसी गिवन मटेरियल रॉड का जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।